और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। तो ये जो अपडेट आ रही है वो हमारी यूपीपीटी से रिलेटेड ये अपडेट है, ठीक है। तो जिस जिस छात्र ने अभी जो इवन सेमेस्टर का जो परिणाम आया था उसके बाद जिसने रिवोल्यूशन या स्कूटी का फॉर्म डाला है, और ऐसे जो छात्र जो अभी इस फिर मतलब स्कूटी और रिवोल्यूशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया रिजल्ट है वो कब आएगा, हमने फॉर्म भर दिया है रिवोल्यूशन का या स्कूटनी का, अब जो हमारा परिणाम है वो कब आएगा। तो परिणाम को लेके एक जावेद मुस्तफ़ा जो सर है हमारे जो यूपीपीटी की खबर को कवर करते हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो इन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक के जो छात्र रिवोल्यूशन के परिणाम का इंतजार अक्टूबर माह में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। इंतजार करने वालों को निराशा हाथ लगेगी, रिवोल्यूशन का परिणाम आने में कम से कम 1.5 से 2 माह का समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मतलब जो हमारे जो सर हैं जावेद मुस्तफ़ा सर जी, इनकी ज़्यादातर बात सच ही साबित होती है। अभी जो परिणाम आया था, इन्होंने न्यूज़ दी थी तो उसी के हिसाब से परिणाम भी आया था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में नहीं आएगा आप, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि एक महीने के बाद ही जो रिज़ल्ट है वो आता है, प्लस इस महीने में दिवाली भी है, इस महीने में बहुत सारी छुट्टियां भी हैं। तो आपका जो रिवोल्यूशन और जो स्कूटनी का जो रिज़ल्ट है वो अब नवंबर के महीने में आएगा, ठीक है। तो आप तब तक वेट कीजिए, नवंबर के महीने में ही आपका रिज़ल्ट आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।